फ्रांस WWE में पहुंच चुका है भारत का सबसे लंबा रेसलर, जो कि ग्रेट खली से भी काफी ज्यादा लंबा है, जिसका नाम सुखविंदर गरेवाल है। एक गरीब परिवार से रहने वाले सुखविंदर गरेवाल कैसे पहुंचे WWE में और कब वो आएंगे WWE रिंग में नजर, तो सारे डिटेल मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं रेसलिंग मसाला। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक काम जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। सुखविंदर गरेवाल द ग्रेट वंडर सुखी, इनका जन्म पंजाब के जागरण जिले में हुआ और वह 1992 में हुआ था। उनके काफी छोटी उम्र में ही उनके माता और पिता का निधन हो गया था। उसके बाद सुखविंदर कभी उनके चाचा के यहाँ या फिर अपने अलग अलग रिश्तेदार या फिर बहन के यहाँ रहते थे। उसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी। अपने घर खर्चे चलाने के लिए सुखविंदर 2014 तक मैकेनिक का काम किया करते थे। बचपन से सुखविंदर को स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा क्रेज था और उसके चलते उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता था। 2015 में सुखविंदर को पता चला कि ग्रेट खली ने अपनी एकेडमी CWE इंडिया में लेकर आए हैं और वो जालंधर पंजाब में खोली है। तो वो खली से बात करने गए और उन्होंने बात भी की। एक रेस्लर के लिए उसकी डाइट और पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसके लिए उनके पास तो खर्चे के लिए भी नहीं था। और उसके लिए सुखविंदर ने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मदद मांगी और काफ़ी लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया और उन्होंने अपने रेसलिंग फील्ड में उन्होंने करियर बनाने का सोच लिया था। सुखविंदर गरेवाल की हाइट 7'4", जो कि ग्रेट खली से ज़्यादा है। सुखविंदर गरेवाल ग्रेट खली को अपना गुरु मानते हैं। वो इनसे इंस्पायर होकर ही WWE में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 2-2.5 साल पहले ही दुबई में ट्रायआउट हुआ था और वहाँ पर सुखविंदर भी गए थे, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म भी किया था, लेकिन वो वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने सिलेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया और उन्होंने सिलेक्टर्स ने उन्हें कहा था कि तुम बॉडी बना लो तो हम तुमको ज़रूर लेंगे। और हाल ही में हुए इंडिया के ट्रायआउट में लक्ष्मीकांत राजपूत, शेंकी सिंह एंड सुखविंदर गरेवाल सिलेक्ट हुए थे। एक इंटरव्यू में सुखविंदर गरेवाल ने बताया कि वो WWE में जाएंगे तो वो किसे पहले फेस करना चाहेंगे, तो उन्होंने नाम लिया था ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रॉक लेसनर से फाइट करना चाहते हैं WWE में। तो ये दोनों इनके ड्रीम अपोनेंट है सुखविंदर गरेवाल के, जब भी वो रेसलिंग जगत में अपना डेब्यू करेंगे। तो अभी तो सुखविंदर अभी WWE के ऑलरेंडर परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी जल्द से जल्द हमें देखने को मिलेंगे वो WWE में या फिर NXT में या फिर मेन रोस्टर में, जहाँ पर हमें सुखविंदर परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। तो बस आज की वीडियो से ही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को नीचे लाइक के बटन तो कहीं मैं जाना चाहती था, कमेंट करके आप लोग हमें बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक काम जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएँ और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।